अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग व्हाइल लूप पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग फॉर लूप पर बात करके आ चुके हैं, उसकी मैंने वीडियो बनाई भी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो अब सबसे पहले आप लोग फॉर लूप की वीडियो जाकर देखें। अच्छा, तो हम लोगों ने ये वाली बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमें जो है वो पाइथन लूपिंग जो है वो दो लूपिंग के दो स्ट्रक्चर पाइथन हमें प्रोवाइड करता है। एक फॉर लूप होता है और एक व्हाइल लूप होता है। तो अब ये जो व्हाइल लूप है ये किस तरह से जो है वो आइट्रेट करवाता है और इस व्हाइल लूप का फॉर व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है फॉर लूप के मुकाबले में, और हम कहां पर फॉर लूप यूज करते हैं और कहां पर व्हाइल लूप यूज करते हैं, तो इन तमाम बातों को आज हम इस आज की वीडियो में देखेंगे। तो देखें, सबसे जो पहला जो फर्क है व्हाइल लूप और फॉर लूप का वो ये है कि फॉर लूप को जो है वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम फॉर लूप को कितनी बार आइट्रेट करवाना चाह रहे हैं, जबकि व्हाइल लूप में हमारे पास ये आजादी है कि व्हाइल लूप में भी हम स्पेसिफाई तो कर सकते हैं कि व्हाइल लूप को हम कितनी बार आइट्रेट कराना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक ये आजादी है व्हाइल लूप के अंदर कि हम लोग अगर व्हाइल लूप को इनफाइनाइट टाइम्स रन करवाना चाहें ना तो व्हाइल लूप इनफाइनाइट टाइम्स भी रन हो सकता है, जो कि फॉर लूप में करना इतना आसान नहीं है। अच्छा, और एक बात, अच्छा पहले मैं ये वाली बात करके बताता हूं, फिर जो है ना वो मैं आपको इसका दूसरा फायदा ही बताता हूं। तो देखिए, मैं इनफाइनाइट टाइम कैसे लूप को रन कराऊंगा, मैंने लिखा पाइथन का कीवर्ड व्हाइल, व्हाइल लूप को यूज करने के लिए व्हाइल लिखना पड़ेगा और व्हाइल के आगे मुझे कोई एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखनी होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग में इफ के आगे एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखी थी, इसी तरीके से व्हाइल लिखने के बाद भी हमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखनी होती है। अगर वो कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू इवेलुएट होती है तो व्हाइल लूप की बॉडी में जो भी कुछ लिखा होता है वो आइट्रेट हो जाता है। अगर वो कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो व्हाइल लूप की बॉडी में जो कुछ लिखा होता है वो आइट्रेट नहीं होता, वो रन नहीं होता। तो देखिए, मैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने के बजाय मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्ट ही ट्रू लिख देता हूं। तो अगर आपको कभी भी इनफाइनाइट लूप चलाना हो ना तो आप यहां पे जो है वो ट्रू लिख सकते हैं। आपने ये देखें, आपने जो है वो यहां पे जो है वो ट्रू लिखा और फिर आपने कहा हेलो पाइथन और फिर आपने जो है वो इसको जो है वो रन कर दिया। तो अब आप देखें ये जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स रन हो रहा है। मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूं तो अब आप देखें ये इनफाइनाइट टाइम्स रन हो रहा है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो है वो रन हो रहा है। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, ये तो रन होता ही रहेगा, एक वक्त आएगा कि आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। तो उससे पहले आपको खुद ही फोर्सफुली इसको स्टॉप करना होगा। फोर्सफुली स्टॉप करने के लिए आप यहाँ कर्नल पे जाना पड़ेगा और आपको जस्ट इंटरप्ट पे क्लिक करना होगा। देखिए, यहाँ लिखा आ रहा है इंटरप्टिंग कर्नल और अभी थोड़ी देर में ये जो है वो इंटरप्ट हो जाएगा प्रोग्राम। और अब मेरे ख्याल में अगर मैं नीचे जाकर देखूं तो ये देखें ये स्टॉप हो चुका है। अब लिखा आ रहा है कीबोर्ड इंटरप्ट कि हम लोगों ने कीबोर्ड से जो है वो इसको इंटरप्ट कर दिया। अच्छा, इसके बाद जो है ये आप लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरह से व्हाइल लूप को जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स रन करा सकते हैं। अच्छा, वो इनफाइनाइट टाइम्स, अच्छा अभी जो इनफाइनाइट टाइम्स रन होना ना, मैं इसको गिन भी सकता हूं कि ये कितनी बार रन हुआ मेरे इंटरप्ट करने से पहले। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक काउंटर बनाया, एक वेरिएबल बनाया काउंटर और इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो मैंने जीरो रखी और फिर मैं जो है मैं आगे गया वाइल और मैंने बोला ट्रू वाइल ट्रू और मैंने जो है वो प्रिंट लिखा हेलो पाइथन। हेलो पाइथन मैंने लिखा और फिर इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस काउंटर में जो है वो वन ऐड कर दिया। मैंने बोला काउंटर प्लस इक्वल टू वन का मतलब है काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस वन। तो अब होगा क्या, सबसे पहली बार जब लूप आइट्रेट होगा, जब लूप रन होगा तो ये प्रिंट लिखा आ जाएगा और इस काउंटर जिसकी वैल्यू जीरो थी इसमें वन ऐड होकर वन आ जाएगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम लूप रन होगा तो इसमें दोबारा वन ऐड होगा तो ये टू हो जाएगा। जब थर्ड टाइम लूप आइटरेट होगा इसमें दोबारा वन आइटरेट हो जाएगा, वन ऐड हो जाएगा और जो है वो हमें ये बताता रहेगा कि कितनी बार जो है वो लूप आइटरेट हो चुका है। तो अब देखें, मैं अगर अब इसको रन कराऊं तो अब भी आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो रन हो रहा है। अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं ना तो आप देखें ये ऊपर आ रहा है तेजी से। तो अब मैं अगर कर्नल को जो है वो इंटरप्ट करूं तो अब देखें मैंने जो है ना वो कर्नल इंटरप्ट कर दिया है। अब मैं अगर नीचे जाके देखूं तो ये इंटरप्ट हो चुका है। अच्छा, अब मैं अगर देखना चाह रहा हूं ये कितनी बार जो है वो चला है तो मैं सिंपली जो है वो यहां पर काउंटर जो है वो मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो देखें ये इसने मुझे बताया 43,462 टाइम्स
ये लूप रन हुआ है मेरे इंटरप्ट करने से पहले पहले, क्योंकि इतनी बार जो है वो हर बार इसमें जो है वो वन ऐड हुआ, तो इसने मुझे बता दिया कि इतनी बार जो है वो ये लूप चल चुका है। अगर मैं अभी भी इंटरप्ट नहीं कराता तो ये लूप और चलता। अच्छा, एक तो इसका ये है कि हम लोग जो है वो वाइल लूप से बहुत आसानी से इनफाइनाइट लूप चला सकते हैं। अच्छा ये, लेकिन हम लोग इनफाइनाइट लूप की हम लोग को वैसे जरूरत नहीं पड़ती। इसका जो सबसे मेन एडवांटेज है ना, वो मेन एडवांटेज ये है कि वाइल लूप को कितनी बार आइटरेट कराना है, इसका एक्सेस हम यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं कि यूजर जो है वो खुद डिसाइड करे कि उसको जो है वो कितनी बार आइटरेट करवाना है। वरना फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में प्रोग्रामर डिसाइड करता है कि उसको लूप कितनी बार रन करना होता है। अच्छा, दोनों काम हो सकते हैं, दोनों लूप से, फॉर लूप से भी ये दोनों काम हो सकते हैं और वाइल लूप से भी दोनों काम हो सकते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग में जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो तो कोई भी काम किसी भी तरीके से हो सकता है। बस फर्क ये है कौन सा काम आसान तरीके से हो रहा है और कौन सा काम मुश्किल तरीके से हो रहा है। तो जो वाइल लूप है ना, वाइल लूप आसानी हमें देता है ये इस काम को करवाने में कि हम यूजर को एक्सेस दे सकेंगे वो लूप कितनी बार आइटरेट करवाना चाह रहा है। तो अब देखिए, मैं किस तरह से यूजर को एक्सेस दे सकता हूं कि वो डिसाइड करे, यूजर डिसाइड करे कि उसको कितनी बार लूप आइटरेट कराना है। तो मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं और सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नाम रखा प्रॉम्प्ट, और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूं। मैंने बोला टेल मी एनीथिंग That you want to iterate, और फिर मैंने आगे बोला और enter quit to stop the loop. देखें, अब ये जो है ना वो मैंने ये वाली प्रॉम्प्ट रन करी। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नाम रखा मैसेज, और मैंने जो है वो इसको जो है वो एक खाली, एक एम्प्टी जो है ना वो मैंने एक स्ट्रिंग इसको मैंने डिक्लेयर किया। एम्प्टी स्ट्रिंग इस तरह से डिक्लेयर हो सकता है कि आप जो है वो बस सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास जो है वो आप लोग सिर्फ यहाँ पर जो है वो लगा सकते हैं। इस तरह से जो है वो एम्प्टी वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो जाता है। अच्छा, तो फिर इसके बाद जो है मैं आगे गया और मैंने बोला वाइल मैसेज नॉट इक्वल टू क्विट, और मैंने आगे बोला, अच्छा अभी मैं इस बात को आपको समझाता हूं कि ये मैं क्या कर रहा हूं। मैंने बोला मैसेज इक्वल टू इनपुट प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट जो मैंने ऊपर बनाई थी वो मैंने यहां पे पास कर दी, और फिर मैंने बोला प्रिंट मैसेज। अच्छा, अब मैं आपको ना सबसे पहले ये समझाता हूं कि मैंने किया क्या। देखें, ये जो मैंने सबसे पहले ऊपर जो है ना वो एक प्रॉम्प्ट मैंने बनाई जिसके अंदर मैंने एक मैसेज मैंने लिखा कि टेल मी एनीथिंग दैट यू वांट टू आइट्रेट, नहीं आइट्रेट, केमिस्ट्री है मेरे दिमाग में, मैसेज। और फिर मैंने जो है वो एक मैसेज नाम का वेरिएबल बनाया, और फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला वाइल मैसेज नॉट इक्वल टू क्विट, जैसे ही मैसेज में, जब तक मैसेज में क्विट नहीं आएगा ये जो वाइल लूप है ना ये चलता रहेगा। ये यहां पर मैंने आपको बोला था कि वाइल लूप के आगे हमें एक कंडीशनल टेस्ट करना पड़ता, तो मैंने देखें इस वेरिएबल मैसेज के साथ मैंने कंडीशनल टेस्ट किया। ये कंडीशनल टेस्ट मैंने क्या किया है, जब तक इसमें क्विट नहीं आए, ये जब भी इसमें क्विट नहीं होगा तो ये वाली जो कंडीशनल टेस्ट है ये ट्रू इवैल्यूएट होगी। फिर मैं आगे गया और मैंने बोला मैसेज इक्वल टू इनपुट प्रॉम्प्ट, मैंने एक इनपुट फंक्शन का सहारा लिया और मैंने ये जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखी थी वो मैंने यहाँ पर इनपुट की मैंने प्रॉम्प्ट डाल दी, और जो भी मैं इनपुट करूंगा वो मैंने मैसेज में स्टोर करा लिया, और फिर मैंने करवा दिया प्रिंट, मैंने मैसेज करवा दिया। अच्छा, अब होगा क्या, जैसे ही मैं अपने लूप को मैं रन करूंगा ना फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम मैसेज जो है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, जब एक एम्प्टी स्ट्रिंग है तो ये कंडीशनल टेस्ट जो है वो ट्रू इवैल्यूएट हो जाएगी, क्योंकि जो है वो इसके अंदर क्विट नहीं है। जैसे ये ट्रू इवैल्यूएट होगी ये आगे जाएगा और एक इनपुट लेगा यूजर से, और जो भी यूजर इनपुट देगा उसको मैसेज में स्टोर करा देगा और उसको प्रिंट करवा देगा। फिर ये अब लूप को सेकंड टाइम आइटरेट होना है, क्योंकि ये वाइल लूप जब तक आइटरेट होता रहेगा जब तक यहां पे फॉल्स ना आ जाए। जैसे ही यहां पे वाइल के आगे फॉल्स आ जाएगा ना ये वाइल लूप आइटरेट होना रुक जाएगा। तो ये वाइल लूप देखेगा उसके आगे जब तक कंडीशनल स्टेटमेंट जब तक ट्रू होती रहेगी वो जब तक आइटरेट करता रहेगा, और जब तक वो कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाती वो रुकेगा नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम आइटरेट हो गया, अब जो भी मैसेज आया वो यहां पे प्रिंट हो गया।
एग्जांपल मैंने मैसेज दे दिया हेलो वर्ल्ड, तो मैं आपको जो है ना वो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखें ये जो है ना वो मुझे इसने मुझे मांग लिया टेल मी एनीथिंग दैट यू वांट टू राइट इट, तो मैंने जो है वो इसके अंदर एंटर किया हेलो वर्ल्ड, मैंने इसको जो है वो एंटर किया। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा ना ये हेलो वर्ल्ड इस मैसेज नाम की वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही प्रिंट हो जाएगा अब ये वाइल लूप दोबारा ऊपर जाएगा और देखेगा क्या मैसेज में क्विट तो नहीं है। अगर मैसेज में क्विट नहीं होगा ना तो ये दोबारा से जो है वो हमसे एक और इनपुट मांगेगा और फिर उसको भी प्रिंट करवाएगा। देखिए मैं अब इसको एंटर करता हूं तो देखें इसने प्रिंट करवा दिया हेलो वर्ल्ड, और इसने फिर टेस्ट किया होगा कि क्या इसके अंदर क्विट तो नहीं है, तो इसको पता चला कि नहीं इसके अंदर क्विट नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू इवैल्यूएट हो गई और उसके बाद जो है ये मजीद आगे गया और इसने हमसे एक और इनपुट मांगा। अब मैं इसके अंदर जो है वो मैं इनपुट कर देता हूं एजुकेशन वर्ल्ड। अब मैंने जो है वो इसके अंदर एजुकेशन वर्ल्ड इनपुट कर दिया। जैसे मैंने इसके अंदर एजुकेशन वर्ल्ड इनपुट किया ये जो है वो फिर इसने वो ये एजुकेशन वर्ल्ड को प्रिंट कराएगा और दोबारा ऊपर जाके टेस्ट करेगा क्या मैसेज में क्विट तो नहीं आया। जैसे ही मैसेज में अगर वो देखेगा कि क्विट नहीं है तो दोबारा वो यूजर से इनपुट मांगेगा। देखिए मैंने दोबारा लिखा तो उसने यूजर से दोबारा इनपुट मांग लिया। अब अगर मैं क्विट मैंने अगर अब लिख दिया ना तो ये क्या करेगा, जैसे इसको क्विट मिलेगा ना ये जो कंडीशन थी ये फॉल्स इवेल्युएट हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर अब क्विट आ चुका है, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स इवेल्युएट हुई ये वाइल लूप रन होना रुक जाएगा। अब देखिए मैंने एंटर करूंगा ना तो अब ये दोबारा हमसे इनपुट नहीं मांगेगा। तो देखें अब इसने हमसे दोबारा इसने इनपुट नहीं मांगा, बस इसने जो है वो डायरेक्टली जो मैंने यहाँ पे एंटर किया उसको प्रिंट किया, यहाँ पे क्विट इसने लिख दिया, और क्विट लिखने के बाद जैसे ये ऊपर गया इसने टेस्ट किया कि भाई हाँ इसमें क्विट आ चुका है, और तो फिर ये वाली जो लूप है ये जो है वो फॉल्स इवेल्युएट हो चुका है और ये जो है वाइल लूप रुक चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हम लोग यूजर को जो है वो एक्सेस दे सकते हैं कि वो कितनी बार जो है वो लूप रन करना चाह रहा है। अच्छा मैं ये चाह रहा हूं कि यूजर जब क्विट एंटर करे ना तो वो क्विट प्रिंट ना हो, प्रिंट सिर्फ वही चीज हो जो क्विट के अलावा यूजर एंटर कर रहा है। तो मुझे जो है अगर मैं ऐसा करना चाह रहा हूं ना तो मुझे अपने प्रोग्राम में एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो मैं जो है ना वो नेक्स्ट लाइन में यहां से मैं इसको कॉपी करके वो मॉडिफिकेशन मैं आगे मैं कर लेता हूं। मैं एक काम ये करता हूं, मैं यहां पर जो है ना वो एक इफ स्टेटमेंट लगा देता हूं। तो मैंने ये बोला, मैं ये कह रहा हूं इफ मैसेज नॉट इक्वल टू क्विट, अगर वो मैसेज क्विट नहीं है तो प्रिंट करवाओ वरना प्रिंट भी नहीं कराओ। तो मैंने इसको टैब करके जो है वो मैंने इंडेंट कर दिया। तो अब देखें अब क्या होगा, अब सबसे पहले जो है ये वाइल लूप जो है मैं अब इसको रन करूं। अच्छा इनवैलिड सिंटेक्स क्यों आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया, कॉलन लगाना जरूरी होता है। तो अब देखिए मैंने इसको रन किया तो वाइल लूप ने सबसे पहले मैसेज को देखा, ये एक एम्प्टी वेरिएबल था, इसने देखा उसके अंदर क्विट तो नहीं है, तो भाई नहीं क्विट तो नहीं था, पहले तो एम्प्टी वेरिएबल था, फिर इसने कुछ इनपुट हमसे मांगा, अगर वो इनपुट क्विट नहीं हुआ तो जो है वो ये इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये हमें वो मैसेज प्रिंट करके दे देगा। तो मैंने जो है वो इसके अंदर एजुकेशन वर्ल्ड मैंने जो है वो इसके अंदर लिख दिया और मैंने किया एंटर। जैसे मैंने एंटर किया इसने जो है वो यहाँ पे इफ वाला टेस्ट किया और इसने देखा ये क्विट नहीं है, तो ये इफ वाला टेस्ट ट्रू हो गया और इसने हमें वो प्रिंट करके दे दिया। फिर ये दोबारा ऊपर गया, दोबारा मैसेज को टेस्ट किया कि उसके अंदर क्विट तो नहीं है, तो नहीं क्विट दोबारा नहीं था, तो ये दोबारा से ट्रू हो गया, और जैसे दोबारा से ट्रू हुआ इसने दोबारा हमसे इनपुट प्रॉम्प्ट ली, और जैसे ये इनपुट प्रॉम्प्ट, अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं क्विट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अब अगर मैंने क्विट लिखा ना तो अब ये मैसेज का जब ये टेस्ट होगा कि ये क्विट है तो फिर अब ये प्रिंट नहीं होगा, बस ये डायरेक्टली रुक जाएगा। अब देखें ये जो है वो रुक चुका है। तो इस तरह से जो है वो हम वाइल लूप को जो है वो वाइल लूप के थ्रू हम यूजर को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो जो है अपनी मर्जी से जितनी बार लूप को आइट्रेट करवाना चाह रहा है वो लूप को उतनी बार आइट्रेट करवा सकता है। अच्छा ये तो हम लोगों ने देखा कि हम इस तरह से यूजर को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा मैं जो है वो इस प्रोग्राम को और जो है वो मॉडिफाई करता हूं एक फ्लैग वेरिएबल बनाकर। अब फ्लैग वेरिएबल क्या होता है इसको समझते हैं सबसे पहले। ये प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो अक्सर यूज होता है फ्लैग वेरिएबल। देखिए फ्लैग का मतलब होता है सिग्नल, फ्लैग जो है वो सिग्नल के लिए यूज होता है। तो हम भी यहां पर एक ऐसा वेरिएबल बनाएंगे जो हमें सिग्नल देगा कि हमें जो है वो वाइल लूप को रन करते रहना है या हमें वाइल लूप को स्टॉप कर देना है। तो मैंने जो है वो फ्लैग वेरिएबल जो है वो फ्लैग के नाम का ही मैं बना रहा हूं। मैंने बोला फ्लैग इक्वल्स टू, मैंने इसके अंदर जो है वो एक बूलियन स्टोर करवा दिया ट्रू, और उसके बाद मैंने क्या किया यही मैंने मैसेज वेरिएबल बनाया। अच्छा अब ये वेरिएबल डिक्लेयर अब करने की जरूरत नहीं है, अब मैंने जो है वो डायरेक्टली मैंने लिखा वाइल और यहां पे मैंने फ्लैग पास कर दिया। ये चूंकि इस फ्लैग के अंदर ट्रू है तो ये वाइल लूप जो है वो रन हो जाएगा, और मैं अंदर जाके मैंने बोला मैसेज इक्वल टू
इनपुट जो मैंने ऊपर प्रॉम्प्ट बनाई हुई है वो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर पास कर दी, और फिर जो है वो मैंने जो है वो कंडीशनल टेस्ट किया। मैं क्या कंडीशनल टेस्ट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इफ मैसेज इक्वल टू क्विट, अगर मैसेज जो है वो क्विट है तो कोई एक्शन परफॉर्म करना है हमें। क्या एक्शन परफॉर्म करना है हमें, इस फ्लैग को जो है वो अब ट्रू से चेंज करके फॉल्स कर देना है, और अगर मैसेज जो है वो क्विट नहीं है बल्कि कोई और मैसेज है तो उसको साथ कुछ फ्लैग को कुछ भी चेंज नहीं करो, बस मैसेज को जो है वो प्रिंट करा दो। तो देखें ये जो है वो और अच्छा जो है वो प्रोग्राम बन चुका है। पहले मैं जो है वो आपको समझा दूं और फिर मैं इसको रन करता हूं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक फ्लैग वेरिएबल बनाया जिसको मैंने बोला ट्रू। ये फ्लैग वेरिएबल क्या करेगा, ये हमें सिग्नल देगा कि हमें लूप को आइट्रेट करवाना है या हमें लूप को आइट्रेट नहीं कराना है। जैसे ये फ्लैग सिग्नल ट्रू होगा लूप आइट्रेट होता रहेगा, और जब ये फ्लैग सिग्नल फॉल्स हो जाएगा लूप आइट्रेट होना बंद हो जाएगा। फिर मैं अंदर गया व्हाइल लूप के अंदर, मैंने यहाँ पे फ्लैग पास कर दिया जिसके अंदर अभी ट्रू है, तो व्हाइल लूप फर्स्ट टाइम तो आइट्रेट होगा ही होगा। फिर मैंने आगे इनपुट के थ्रू जो है वो यूजर से कुछ मैसेज लिया और उसको मैसेज में स्टोर कराया। फिर मैंने इफ कंडीशन के थ्रू देखा क्या वो मैसेज क्विट है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई यानी कि यूजर ने क्विट एंटर किया तो मैं बोल दूंगा फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। जैसे फ्लैग फॉल्स हो जाएगा ना, अभी एल्स वाली कंडीशन रन नहीं होगी बल्कि अब फ्लैग फॉल्स हो चुका है, ये व्हाइल आगे जाएगा और दोबारा टेस्ट करेगा और देखेगा कि अब फ्लैग के अंदर फॉल्स आ चुका है। जैसे ये फ्लैग के अंदर फॉल्स आएगा ना, ये लूप जो है वो आइट्रेट होना, और अगर फ्लैग में फॉल्स नहीं आया या अगर यूजर ने जो है वो मैसेज क्विट एंटर नहीं किया तो फ्लैग में भी फॉल्स नहीं आएगा, और एल्स में फिर क्या होगा, वो जो भी मैसेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं जो है वो इसको करके दिखाता हूं। तो अब अगर मैं आपको अगर ये रन करके दिखाऊं तो देखो ये बोल रहा है टेल मी एनीथिंग दैट यू वांट टू आइट्रेट। मैंने यहाँ पे लिखा जो है, मैंने जो है वो कोई भी नंबर लिख दिया, तो देखिए इसने वो नंबर मुझे दे दिया। फिर मैंने एक और नंबर दे दिया, फिर मैंने एक और नंबर दे दिया, फिर मैंने एक और नंबर दे दिया। मैं जो है वो मैं कोई टेस्ट भी मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ, और मैं दोबारा कोई नंबर लिख सकता हूँ। मैं नंबर और कोई टेस्ट में जो है मैं इसको जब तक देता जाऊंगी जब तक मुझे प्रिंट करके देता जाएगा, जब तक मैं जो है वो क्विट ना दे दूं। जैसे मैं क्विट दूंगा ये जो है वो देखें अब ये रुक चुका है, अब ये मजीद मुझे वो जो है वो मुझसे इनपुट नहीं ले रहा। तो इस तरह से जो है वो हम लोग फ्लैग यूज करते हैं। अच्छा व्हाइल लूप को हम लोग जो है वो फॉर लूप की तरह भी यूज करा सकते हैं कि हम लोग जो है वो यूजर डिसाइड करे कि भाई जो है वो कितनी बार लूप चलना है। तो देखें मैं ये काम जो है वो मैं किस तरह से मैं कर रहा हूं, तो मैं जो है वो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं जिसको मैं बोल रहा हूं इंडिकेटर, और इस इंडिकेटर के अंदर जो है वो मैं वैल्यू असाइन कर देता हूं 0, और फिर मैंने बोला व्हाइल इंडिकेटर इज लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5। जैसे ही जब इंडिकेटर लेस देन इक्वल टू 5 हो, जब जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला लूप जो है वो चलता रहा। मैंने प्रिंट के अंदर भी इंडिकेटर कर दिया, और आगे जाके मैंने क्या किया, इंडिकेटर प्लस इक्वल टू 1 मैंने कर दिया। आप देखें मैं अगर इसको मैं आइट्रेट करूं तो ये जो है वो अच्छा यहां पर मैंने गलत कर दिया, मैंने इंडिकेशन लिख दिया, इंडिकेटर लिखना है मुझे। तो अब आप देखें तो ये जो लूप है ना, ये 6 टाइम्स ये लूप आइट्रेट हुआ है। कैसे 6 टाइम ये लूप आइट्रेट हुआ है, मैं आपको ये वाली बात समझाता हूँ। सबसे पहले इंडिकेटर के अंदर जो है वो 0 था, व्हाइल ने टेस्ट किया क्या 0 लेस देन इक्वल टू 5 है, ये टेस्ट जो है वो ट्रू हो गया तो प्रिंट 0 हो गया, और 0 में प्लस 1 होकर इंडिकेटर में 1 आ गया। ये दोबारा लूप ऊपर गया, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू हो गया, 1 प्रिंट हो गया, और 1 प्लस 1 2 हो गया। फिर दोबारा से लूप पर ऊपर गया, 2 लेस देन इक्वल टू 5 ये भी ट्रू हो गया, 2 प्रिंट हो गया, और 2 प्लस 1 3 हो गया। ये इस तरह से चलता रहेगा, और एंड में जैसे ही 5 यहां पर आएगा, जब 4 प्लस 1 5 होगा, ये 5 लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि मैंने इक्वल टू की कंडीशन लगाई है इसलिए 5 के लिए भी ये वाली कंडीशन जो है ना वो ट्रू हो जाएगी। तो ये जो है यहां पे आया 5 प्रिंट हो गया, और इंडिकेटर जो है वो 5 प्लस 1 6 हो चुका है। अब जैसे ये ऊपर गया ना, इसने देखा 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं, ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो चुकी है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई ना, ये जो है वो व्हाइल लूप जो है वो रुक चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जब इंडिकेटर जो है वो मैं इंडिकेटर को जो है वो मैं कॉल करता हूं, और अब आप देख सकते हैं कि अब इसकी वैल्यू जो है वो 6 हो चुकी होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 6 एंड में हो चुकी है, इसीलिए जो है वो ये वाला लूप जो है वो रुक चुका है।